हम यहाँ भजन गाने के लिए नहीं आए हैं, भजन गाने के लिए हमारा मठ है, हमें जब गाना होगा मठ में जाएंगे। न गीता से न कुरान से ये देश चलेगा, केवल संविधान से। मैं अभय सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूँ भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। आज से सरकार का हर कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर समय पर ही आएगा। अनुशासन ही हमारा पहला नियम है। राजनीति ये सेवा का विषय है, ये संसाधन बटोरने का विषय बिल्कुल नहीं है। प्रदेश के लिए आपके आगे की क्या प्लानिंग्स हैं? इस प्रदेश में आज तक जो गुंडारा चल रहा था उसे खत्म करना और कानून का राज स्थापित करना। ये सुजाता मेनन से हम मिलना चाहेंगे। मेरे काम करने का तरीका अलग है सर। मैं पहले एक्शन लेती हूँ, फिर इन्वेस्टिगेशन करती हूँ। आपके आशीर्वाद से मैं चुनाव जीत गया। हमारी जवान बेटिया का बलात्कार कर दिया महाराज। जिसके साथ अन्याय हुआ है वही न्याय करेगी। इस घटना के बाद प्रदेश में बलात्कार की घटनाएं बढ़ेंगी या कम हो जाएंगी? बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की कदर न एक इंच इधर न एक इंच उधर। जय हिंद। आप ऐसा बात ना करिए कि लोगों में उत्तेजना का एक ऐसा भाव आए कि फिर ना आगे बड़ी मुश्किल हो जाए। गुंडा और माफिया बता रहे थे उनको। हाँ। तब कोई भी जरे हुए पर नमक छिड़केगा तो भाई बुरा लगेगा ना। एक माफिया के पास इतनी हुजूम नहीं जाती है। 43 मुकदमा किसी पे, 108 मुकदमा है और सारे लोग बाहर घूम रहे हैं। मुख्तार अंसारी शहीद मुख्तार अंसारी और उत्तर प्रदेश को एक मुख्यमंत्री किस प्रकार से एक विकसित प्रदेश में उसकी गणना होने लगती है। जो अच्छा काम किया है फॉर एग्जाम्पल उसका इंस्पिरेशन लेना, ये अगर किसी को प्रोपेगंडा लगता है तो भले लगे। उत्तर प्रदेश से आज तक अच्छे अच्छे प्राइम मिनिस्टर मिले हैं। यूपी फाइल्स, ये यूपी की फाइल है। जैसे कश्मीर फाइल आया, केरला फाइल आया, ये यूपी की फाइल है। तो वो बिगड़ा हुआ जो राज्य है उस राज्य को जब नया मुख्यमंत्री होता है, आता है और वो अपनी दृढ़ संकल्प शक्ति के साथ, इच्छा शक्ति के साथ स्वराज स्थापित करने के लिए जो जो आवश्यक है वो सारी चीज़ें किस प्रकार से करता है और उत्तर प्रदेश को एक मुख्यमंत्री किस प्रकार से एक विकसित प्रदेश में उसकी गणना होने लगती है। अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश से आज तक अच्छे अच्छे प्राइम मिनिस्टर मिले हैं, फिर भी उत्तर प्रदेश और बिहार, उत्तर प्रदेश की बात करें, ये इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज फिर भी पिछड़ा रहा। किसी भी क्षेत्र में मुंबई में आने वाले या राज्य छोड़कर आने वाले लोग क्यों इतने ज़्यादा थे? क्योंकि प्रदेश में जो बेसिक सुविधाएं हैं वो भी नहीं, और खेती है, लेकिन एक विकसनशील प्रदेश बनाने के लिए जो इच्छा शक्ति चाहिए थी वो इच्छा शक्ति कभी नहीं थी पिछले राज्यकर्ताओं के पास। एक मुख्यमंत्री यदि सोचता है, एक राज्यकर्ता यदि सोचता है कि प्रदेश को सुधारना है और जिस प्रकार से उसको गर्ता में धकेला था उससे बाहर निकाल कर
जैसे माफिया, मतलब किसी भी प्रकार का भू माफिया हो या गुंडागर्दी हो या गुंडे माफिया हो या किसी भी प्रकार, या जो टिपिकल बच्चियों की छेड़खानी करने वाले, उसके लिए टास्क फोर्स बनाना, फिर माफियाओं को किस प्रकार से जेरबंद करना, या माफिया ने किया तो उसकी जो संपत्ति है वो कुर्की करने का उसका भी अध्यादेश निकाला, या जो भी चाहे वो अल्पसंख्यक हो उसके लिए सद्भावना का एक क्या करते हैं वो भाव रख के उन बच्चियों की जो का विवाह हो, शोषित पीड़ित जो भी दमित लोग हैं उनके उद्धार के लिए कैसा कार्य हो, पीड़ित लोगों के लिए कैसा कार्य हो, किसानों के लिए कैसा कार्य हो, और राजनीति कैसे शुद्ध स्वरूप से सुचारू रूप से बने और प्रदेश का विकास हो, और ये काम ये सीएम कैसे करता है, वो है यूपी फाइल। जो अच्छा काम किया है फॉर एग्जांपल उसका इंस्पिरेशन लेना, ये अगर किसी को प्रोपोगंडा लगता है तो भले लगे, अच्छा काम जो हो रहा है उसको अगर दिखाएं और उससे इंस्पिरेशन लेकर बनाएं, क्योंकि जो समाज में दिखता है आप रोज न्यूज में पढ़ते हो देखते हो, क्योंकि आप भी उसका सिस्टम का भाग हो, अगर वही आप नहीं दिखाएंगे तो आप क्या दिखाएंगे। क्या है, अच्छा करो तो भी लोग बोलेंगे और नहीं करो तो भी लोग बोलेंगे, तो लोगों का काम है कहना, तो हम उसको बिल्कुल वो नहीं देते। तो जो जिस प्रकार से मोदी जी ने स्वच्छ भारत का अभियान चलाया, तो उसको किस प्रकार से योगी जी ने भी कैसा महत्व देकर, आज हम जाते हैं कि पान की पिचकारी थूकते समय भी लोग दो बार सोचते हैं, ओके कितने बच्चियों की सामूहिक विवाह करने का उन्होंने सोचा, तो हर पहलू में वो सोचते हैं। तो उत्तर प्रदेश का विकास करने के लिए यदि उन्होंने काम किया है और उन पर से इंस्पिरेशन लेकर यदि कोई विचार वाली फिल्म बनती है तो उसको अगर कोई प्रोपोगंडा बोलता है तो भले बोले, लोगों को अच्छा देखना है, लोगों को ये जो लोग सुन रहे हैं लोग जो देख रहे हैं, क्योंकि माध्यम की ताकत आज बढ़ गई, 25 साल पहले उतनी ताकत नहीं थी, 15 साल पहले उतनी ताकत नहीं, ताकत बढ़ गई, तो हमको मालूम है कि क्या हो रहा है। इस प्रकार की फिल्में पहले नहीं बनती थी क्या, बनती थी, अलग तरीके से बनती थी। तो इसको भले बोले प्रोपेगेंडा, अच्छा है उसको अच्छा कहने के लिए भी, क्योंकि फिल्म ये समाज का आईना है, वो बतानी ही चाहिए ऐसा मुझे लगता है। तो सर बताइए कब आ रही है यूपी फाइल्स, और दर्शकों से सीधा बताइए कब देखें यूपी फाइल्स। ये इसलिए देखे कि आज जो उत्तर प्रदेश हमें दिख रहा है किसी भी क्षेत्र में विकास की गति को लेकर, भूमाफिया या किसी भी माफियाओं का निकंदन हो या उनको एक लगाम किस प्रकार से बैठाई है, इसके उदाहरण आपने सब जगह देखे होंगे, लेकिन इस एक फिल्म में किस प्रकार से इन सारी चीज़ों को, मैंने कथा तो नहीं बताऊंगा, लेकिन ये इस कदर बताया गया है कि आपने वो चीज़ देखी है, आपने वो चीज़ शायद सुनी होगी, वो आपको फिल्म में डेफिनेटली उसका जो चित्र है वो देखने को निश्चित रूप से मिलेगा। और मैं इस फिल्म में सीएम अभय प्रताप सिंह की अभय सिंह की भूमिका निभा रहा हूँ, वो आप ज़रूर देखिएगा, आपको ज़रूर भाएगी ये फिल्म। और यूपी फाइल्स ये भारत में एक नया जो लैंडमार्क है वो भी प्रस्थापित करेगी, हमें हमारे कार्य पर भी विश्वास है, हमें हमारी फिल्म की कथा पर विश्वास है, और जो भी पात्र करने वाले जो अभिनेता हैं, एक एक पात्र चुन चुन कर नीरज जी ने लिए हैं, नीरज सहाय जी ने इसका दिग्दर्शन किया है, निर्देशन किया है, और ओसवाल फिल्म्स ने इसे निर्मित किया हुआ है, और कुलदीप ओसवाल जो हैं वो इसके प्रोड्यूसर हैं, और आपको ये निश्चित अच्छी लगेगी फिल्म। जितनी भी फाइल्स देखी हैं वो भी अलग हैं और ये यूपी फाइल्स भी अलग है, आपको डेफिनेटली एक मज़ा आएगा और एक अद्भुत फिल्म देखने का अनुभव भी मिलेगा। थैंक यू। और 1 मार्च को रिलीज़ हो रही है अभी की तारीख में। थैंक यू।